हमारे चैनल पे अक्सर हम पाकिस्तानी मर्दों की तो राय अक्सर देखते रहते हैं, ठीक है समरिया, लेकिन पाकिस्तान की पढ़ी लिखी खातून क्या राय रखती है हिंदुस्तान के बारे में, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ये जानना भी काफी इंटरेस्टिंग है। बात सही है। तो आज ऐसे ही कुछ बुरखा नशी पाकिस्तानी खातून आपकी खिदमत में पेश है। चल बस लाएगा क्या, और जानने की कोशिश करते हैं कि ये खातूनों के दिल में आखिर चल क्या रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभी जी। ये हिंदुस्तान को किस नजरिए से देखती है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता, सीधा चलते हैं पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हिफ्जा अंसारी। क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ, मास्टर्स। माशाल्लाह। अच्छा, इंडियन मूवीज देखती हैं आप? पहले जी, फिर नो, फिर नॉट इंटरेस्टेड। अरे कहना क्या चाहते हो? वो मैं। वाह दीदी, वाह, सबको साथ दिया एक ही बार में दीदी। वैसे इंडियन मूवीज के बारे में जी, एक्टर के कौन सा एक्टर आपको जानती है कि इंडिया में ये वाले एक्टर मौजूद हैं, ये उनका नाम का पता, कभी सुना नाम? जी ऑब्वियसली पता तो है, जानते हैं उनके बारे में, पता भी है। अच्छा, ये बताइए इंडिया के बारे में आपका क्या राय है, इंडिया कैसा कंट्री है? इंडियन कंट्री मतलब आई डोंट लाइक दिस, मैं उस कंट्री को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। मगर क्यों? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वहाँ की जो मूवीज होती हैं, वहाँ का जो बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, जो भी है उनका रहन सहन जैसा भी है मुझे पसंद नहीं है, और मैं उनको बिल्कुल भी लाइक नहीं। कोई सेंस है इस बात? वाह दीदी वाह, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तू फिर बहुत सारे भाई लोग कमेंट करके जाते हैं, भाई पॉजिटिव वीडियो दिखाया कर। कुछ भी कहाँ से दिखाएं मेरे भाई, ये जहरीली नागिने बनी हुई बैठी हुई है। नागिन हूं मैं, नागिन। और मैं तोता हूँ हरे कलर का। कहाँ से पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हो तुम पाकिस्तान में? पुलिस पता लगा रही। पाकिस्तानी तो बोलते ही बोलते, खास तौर से इंडियन भी बोल के जाते, हद तो ये होती है। अच्छा, क्यों आप पसंद नहीं करती इंडिया? उसकी वजह ये है कि हमारी जो कंट्री है ना, वो एक इस्लामिक कंट्री है। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। और मतलब हम उनके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करते, इसलिए मैं उनको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। मैं उनको अच्छा, हम भी आपको लाइक नहीं करते, भागो यहाँ से। गजब बेइज्जती है। हम कहते हैं कि जी हम इस्लामिक कंट्री है, हम इंडिया को पसंद नहीं करते या उसके साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहते, तो सऊदी अरब देखे कितना बड़ा, हमसे ज्यादा वो मजहबी कंट्री है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। के बड़े रिलेशन है इंडिया के साथ, यूए के बड़े रिलेशन है। वाह मोदी जी वाह। हमारे क्यों नहीं? उनके रिलेशंस तो होंगे ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड, लेकिन मैं अपनी पर्सनल आपको बता रही हूँ कि मैं पर्सनली उसको लाइक नहीं करती। कोई बात नहीं, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वजह होती है ना कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे, या हमें ये बचपन से ये चीजें बताई गई हैं कि इंडिया का अच्छा कंट्री नहीं है, लिहाजा हमारा वो दुश्मन है। ये बात है। क्या आपके माइंड में क्या चल क्या रहा है? माइंड में तो बस मतलब यही चल रहा है कि हमें बचपन से ये नहीं बताया गया कि वो हमारा मतलब भारत जो है वो हमारा दुश्मन है। चल झूठा, ये तो हर किसी के पर्सनल रिलेशंस की बात होती है। मतलब मेरा पर्सनल रिलेशन वहाँ उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ये बताएं कि हम आज इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, वो ये कि पाकिस्तान किसी भी फील्ड में इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहा जिस तरह दुनिया के दूसरे ममालिक कर रहे हैं। तो किसी भी मुल्क की तरक्की के पीछे उसके स्टूडेंट का, उसकी जो एजुकेशन सिस्टम है, उसका हाथ होता है। तो क्या आप समझते हैं पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम, उसमें कोई तब्दीलियां होनी चाहिए? हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो बहुत ही अच्छा है। मैंने आज तक जितने भी पाकिस्तानी वीडियो देखे, आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। ये पहली खातून ऐसी देखी है जो ये कह रही है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया। वाह दीदी, दीदी। और दूसरा ये कि जब माँ बाप इतने पैसे लगाते हैं एक डिग्री पे, एक डिग्री को और लेने के लिए 5-6 लाख तो आपको देना पड़ेगा, और उसके वाले से आपको रिवार्ड कोई नहीं मिलता। आप जाओ मार्केट में, आपको जॉब्स नहीं मिलेगी, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स वैसे ही रह जाते हैं और डिसहार्ड होते हैं और आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। हमारा बहुत ज्यादा सासा जो पढ़ा लिखा एजुकेशन है, वो बहुत सारे बाहर जाके जॉब्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेन रीजन यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए वो अच्छी जॉब्स प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स की। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बाजी ने तो अचानक से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। अभी तो खरीदी एजुकेशन सिस्टम हमारा टॉप है, टॉप टॉप टॉप, आपके लिए नौकरियाँ नहीं मिल रही, ये सब दोगलापन। बाकी मुल्क जैसे तरक्की कर रहे हैं, हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा, क्या वजह है? हम शुद्ध गरीब। सर आई थिंक सो, अगर हम स्टडी के लिहाज से यूनिवर्सिटीज के लेवल की बात करें ना, तो सबसे मेन फैक्टर यही आता है कि स्टूडेंट्स बहुत निकम्मे कह ले हैं, जो भी है हमारे एजुकेशनल से वो निकम्मे इस वजह से हुए हैं,
मेनली उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं, मतलब उनके नंबर्स खुद लगवा देते हैं, तो मेरे ख्याल से इसी वजह से हो रहा है। साला ये दुख का है, खत्म नहीं होता बे। मेरे बाबा ने लगवा देने या मुझे कोई टीचर जानता है उसने लगवा देने। मेरिट सिस्टम नहीं है यहाँ पर, ऑब्वियसली यहाँ पे मेरिट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे मेरिट सिस्टम पे आते हैं ना, ऑब्वियसली फिर उन बच्चों का भी यही है कि उनको भी यही कहा जाता है कि आप मेरिट पे नहीं आए हैं, क्योंकि बदनाम है जीसी के मामले में, वैसे भी थोड़ा बहुत बदनाम है ये मामला। यही तो कहता हूँ मैं, तुम्हारी पूरी कौम ही निकम्मी है। yes! पूरी पाकिस्तानी कौम जो है पूरी की पूरी निकम्मी है, निठल्ली है, नालायक है, नल्ली है। 70 साल पहले तुमको एक मुल्क दिया था, आज तुमने मुल्क को कहाँ पहुँचा दिया। एवरी पाकिस्तानी का जो एक एक बाल है ना, ये कर्जे में गिरा हुआ, और अभी भी $1 बिलियन के लिए IMF के आगे तुम तरले कर रहे हो। तुम्हारा प्रधानमंत्री पूरा लेट गया है। तो बाजे आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी पूरी कौम ही निकम्मी है। सिस्टम है जैसे दुनिया के बाकी कंट्रीज है, वहाँ पर रट्टा सिस्टम नहीं होता। ऑब्वियसली यहाँ पे थ्योरी ज्यादा पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल, हालांकि डॉक्टर और फिजिकल थेरेपी में आपको पता है लैब होनी चाहिए, हमारी कोई लैब नहीं है। तो प्रैक्टिकल कहाँ करती हैं आप? हम करती नहीं है। हमें 3 साल से यही लारा लगाया हुआ है कि आपका गवर्नमेंट मतलब अलाइड में हो गया, लेकिन नहीं हुआ। फिक्र ना करें। कोई तजवीज आप देंगी? आप अपना फ्यूचर कैसे देख रही हैं यहाँ पर पाकिस्तान के? सर जॉब तो मेरे नहीं है, कोई भी जॉब की अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। फिजियोथेरेपी फील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं है। आप अंदाजा करिए इतनी सैचुरेशन हो गई है ना फिजियोथेरेपी की, हर गली में आपको कोई क्लिनिक नजर आएगा। ऑब्वियसली आपको पता है जॉब तो फिर मिल ही नहीं सकती है, जॉब वो भी तो सिफारिश बेस पे होती है। तो अब यही है कि या तो बाहर जाएंगे या कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। स्टूडेंट है यहाँ पर, उससे बात करें वो कहता कि जी मैं ये मुल्क छोड़ के बाहर चला जाऊंगा, तो मुल्क का क्या बनेगा फिर हमारे? सो वो तो कुछ पता नहीं है, वो तो स्टूडेंट्स पे रिलाई करता है ना। जब हमारा सिस्टम ऐसा बन चुका है, जाहिर सी बात हर बंदा मजबूर, जॉब नहीं मिलनी, हम पढ़ते क्यों है कमाने के लिए? जब कमाए नहीं जाएंगे तो हमने तो बाहर ही जाना है, जाहिर सी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खदीजा बीबी। क्या करती हैं? मैं BS पाकिस्तान स्टडीज कर रही हूँ, 8th semester है मेरा। माशाल्लाह। अच्छा आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तानी जो है, अच्छा पहले बताएं आप इंडियन मूवीज देखती हैं? जी मैं देखती हूँ इंडियन मूवीज। और एक्टर या एक्ट्रेस कौन पसंद है आपको? वरुण धवन फेवरेट एक्टर है मेरा, और एक्ट्रेस में दीपिका पाडुकोण हो गई, आलिया भट्ट अच्छी लगती है। आपको तो बहुत ज्यादा पता है सबके बारे में। जी जी। अच्छा ये बताएं कि इंडिया को कैसा समझते हैं, कौन कैसा कंट्री समझते हैं इंडिया को? इंडिया को मैं एक अच्छी कंट्री समझती हूँ, इंडिया मुझे पसंद है, मैं इंडिया जाना चाहती हूँ, इंडिया विजिट करना चाहती हूँ। और मैं अभी रिसेंट में कल पहली स्टूडेंट है जिसने ऐसी बात की, वरना ज्यादातर तो वो कहते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन है। पत्रकार जी मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, रेरी पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो इंडिया को पसंद करने की बात करते हैं, बाकी सारे के सारे जहर बुझे तीर के समान भारत को गालियां देते हैं, कोसते हैं। और मोदी के होते हुए भारत को किसी दुश्मन की भला क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है। मोदी अपना गिरेबान अगर झांक कर नहीं देखता ना, तो झांक कर देखता ही नहीं है, जिसकी वजह से आज भारत तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। इंडिया दुश्मन नहीं है, इंडिया के जो बड़ी सरकार है मतलब गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाना, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो आप पाकिस्तान स्टडी, आपकी माशाल्लाह काफी नॉलेज होगी, अब ये बताएं क्यों आया, हमारी तरफ से भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी आपस में दुश्मनी है? बिल्कुल ऐसी चीजें हैं, ये गवर्नमेंट जो है दोनों गवर्नमेंट की तरफ से होता है, कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो ये दोनों गवर्नमेंट की तरफ से है, दोनों गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पाकिस्तान के और इंडिया के रिलेशन आपस में अच्छे हो सके। तो हमें क्या करना चाहिए? आप जैसे जाना चाह रही हैं वहाँ पर भी इंडियंस को पाकिस्तान विजिट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, वो चाहते भी हैं और कुछ लोग आते भी हैं इंडिया से पाकिस्तान विजिट करने आते भी। लेकिन एक और मेन मसला है कि मैंने देखा है कि हम अब इंडिया में जो कपड़ा है लहंगे वगैरह और मैक्सियाँ बहुत अच्छी मुनासिब रेट पर सस्ती मिलती हैं और होती भी बहुत अच्छी हैं उनकी मार्केट, लेकिन अगर हम उनसे पूछें कि आप पाकिस्तान डिलीवर कर सकते हैं तो कहते हैं नहीं पाकिस्तान डिलीवरी नहीं होगी इनकी, तो पाकिस्तान डिलीवरी नहीं करते। ऐसा मुझे इस बात से मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ, हम लोग मंगवाना चाहते हैं लेकिन ये एक सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान में डिलीवरी क्यों है। मैंने भी ये पता इस बंदी का अलग ही दुख है, इसको इंडियन लेंगे पाकिस्तान में डिलीवरी चाहिए, तो भैया कोई हो डिलीवरी वाला तो पहुँचा देना इनके पास में। करने की कोशिश की थी, हमारा जो भी यहाँ से कपड़ा यहाँ से जाता है वो वाया दुबई जाता है, अगर इंडिया से भी कोई कपड़ा है तो वाया दुबई आता है, तो क्यों पता नहीं ये ट्रेड क्यों बंद है? ट्रेड पता नहीं क्यों बंद है, हालांकि नमक तो भी तो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, वहाँ से भी हम चीजें लेते हैं, लेकिन ये ट्रेड पता नहीं क्यों बंद की हुई है। मुझे पीछे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बाजी थोड़ा सा करेक्शन कर लेना की 2019 तक भारत पाकिस्तान से नमक लेता था, छेंदा नमक लेता था जो की आपके सिंध प्रांत में पाया जाता, तो 2019 से भारत पाकिस्तान का किसी भी प्रकार का नमक नहीं ले रहा, और नमक के साथ आते थे छुआरे, तो हिंदुस्तान ने छुआरे लेना भी बंद कर दिया, नमक लेना भी बंद कर दिया, और 2019 में ही कर दिया। ठीक है बाजी, 4 साल होने को आ गए, ट्रेड पे पाबंदी लगाई थी मेरे ख्याल में, ये ट्रेड आपके ख्याल में
खुलनी चाहिए ट्रेड, बिल्कुल खुलनी चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि अगर खुल गई तो दहशतगर्दी के चांसेस ज्यादा होंगे। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि दहशतगर्दी, तो हम पे भी इल्जाम लगाते हैं ना कि हमारे। ये वीडियो यहीं खत्म हो गया। सीरियसली मेरी बहुत इच्छा थी ये खातून कंटिन्यू रहती, थोड़ा और सुनते हैं तो समझ में आता है कि हाँ भाई पढ़े लिखे लोग पॉजिटिव लोग क्या राय रखते हैं। रेयर ही होते हैं पाकिस्तान के अंदर जो रियलिटी में पॉजिटिव होते हैं, और नहीं तो क्या। अब इन पाकिस्तानी खातूनों से तो आप मिलनी है, अब आपकी जिम्मेदारी है इन पाकिस्तानियों को अच्छे से रिप्लाई करनी, चाहे पॉजिटिव कीजिए नेगेटिव कीजिए लेकिन कीजिए जरूर। भाई ने बोला करने का तो करने का। और लाइक का टारगेट रखते हैं 12,000 लाइक, 12,000 तक तो आप पहुँचा ही दीजिए। ओके, जिस वीडियो में टारगेट नहीं देता हूँ वो पहुँचाते ही नहीं हो आप, 4-5 हज़ार पे रोक देते हो, ये क्या बात हुई भाई। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो आता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।